हौसला कर गुजरी, हौसला कर, खुदा ने भी मंजूर उसी। साले के गुना कितने सरदार, खुदा ने मेरे बच्चियां नु क्यों यतीम कर दिता। साड़ी ते किसी ना दुश्मनी भी नहीं आई सरदार, फिर मेरे प्यो नु क्यों मारा किसी ने। इसने जरूर किसी ने जानबूझ के मारा सरदार। सरदार किसने भेजा उन्हें जंगल वाल? हाँ सरदार, वो गियो किस दिन आ रहा? हे तो मनु भी पता नहीं गा कि वो जंगल वाल किस तरह गया है। मने तो उन्हें पैसे दे के ते 6 रुपये माल खरीदने वास्ते, पता नहीं गा मेरे बंदे डंगर चराने गए थे, उन्होंने आके दसा के खान मीर की लाश जंगल च पई है। मेरे वाल आया, पर मैं उन्हें पैसे दे के शहर भेजा माल खरीदने वास्ते। समझ नहीं आती कि वो जंगल वाल किस तरह चला गया। हाँ हो सकता कि मफरूर उन्हें जंगल ही चुक के ले गए होन, ते पैसे खो के उन्हें मार फटा हुए ने। हाथ टूट जाए तबाह हो जाए उन लोग जिन्होंने मेरे सिर दे साई नु मार सके। तू फिक्र ना कर गुजरी, मैं जीना वा, मैं तेरा ते तेरे बच्चियां दा ख्याल रख सा। हला मैं चलना वा के जाके उना मफरूरा दा पता करा जिन्होंने खान मीर नु मारा। काश अगर मनु पता होंदा कि तेने यही कुछ करना है तो मैं तेन कभी भी जहांगीर शेर अफगन नूरजहान किसी ना सुना। तेने उस कहानी नु दोहरा के बड़ा वड़ा जुलम किया कबीर खान, बड़ा वड़ा जुलम किया। मैं क्या करता तैमू, मेरे को इस दे सिवा और कोई चारा भी नहीं आया। तेने जुलम करके अपनी तकदीर आप बदलने की कोशिश की है, जबकि इंसान की तकदीर का कातब इंसान नहीं होता। मेरी तकदीर बदल गई है, गुजरी बेवा हो गई है तैमूर, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते मेरे नाल ब्याह जरूर कर सी। बेवा होने वाली हर औरत नूरजान नहीं होंदी कबीर, मैं उन्हें नूरजान बड़ा सा। तेनू यकीन है कि तेरे नाल ब्याह कर सी? हर बेसहारा औरत नू सहारे की जरूरत होंदी है तैमूर, तू ये क्यों नहीं सोचने कि उसका सहारा उसके 4 बच्चे। और 4 बच्चे तो अजे आप बेसहारा, तो उन्होंने अच्छे मुस्तकबिल की जमानत समझ के गुजरी मेरे नाल ब्याह जरूर कर सी। गो कि तेरा जुर्म नाकाबिले माफी, ते गुजरी नाल ब्याह करके उसका कफारा ते अदा नहीं हो सकता। हाँ अगर वो तेरे नाल ब्याह करने ते राजी हो गई तो उसे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जैसी। तैमूर मैं गुजरी की खातर उसके बच्चों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखना, मैं वादा करना हूं। ठीक है, अगर तू अपने वादे ते कायम है ते वा तेनू गुजरी दे इद्द दे दिन पूरे करने का इंतजार करना पैसी, उससे बाद ही व्याह की गल करी। कोई जरूरत नहीं गी लाले नू गुजरी नाल गल करने दी, गोंदल कबीले दे सरदार दी तकदीर गुजरी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? देख गुजरी गरीब जरूर है लेकिन एक अच्छी ते शरीफ रानी। गल शराफत दी नहीं गी खान, खानदान दी इज्जत ते वकार दी। उच्चियां हवेलियां च हमेशा उच्चे खानदान दियां तियां पैरां दियां डोलियां आंदियां होंदियां। ओ कहनी ते तू बिल्कुल ठीक है, मैं मानना हूं, लेकिन ये भी ते देख कि कबीर गुजरी नु पसंद करदा है और उसनु हासिल करने से उसने खान मीर नु अपने रस्ते छोटा है। ओ उसका जनून है, दीवानगी है उसकी, जिसनु अगर तुसी चाहंदे हो तो रोक सकदे हो, लेकिन तुसी तुहाने तो अपने दोस्त का साथ दिता है। देख खुदा ते खुद किचे गला पे करनी है तू? देख इस काम में मेरी कोई सलाह नहीं आई। हाँ ये मनु जरूर बताया कि ये गुजरी ते कोई ढुल गया, मैं समझ गया जी यार कतन तो, लेकिन यकीन नहीं आंदा है कि इस देखो तुसी अगर चाहो तो हुन भी अपना इरादा बदल सकदे, तुसी रोक सकदे हो उसनु गुजरी नाल ब्याह करने से। डैडियां गला पे करनी मैं पिरा तेरा, तू अच्छी तरह समझनी उन्हें कितना जिद्दी है, वो मेरी मन सी सारी जिंदगी उसने अपनी जिद मनाई है, एक काम मेरे वास्ते नहीं गई। तो तुसी चाहते हो
कि चार पुत्रों की मां नाल शादी कर लवे। और मैं कदों चाहना वा, मेरे खाते च पानी है, मैं चाहना वा। हालात इस तरह के बन गए। जिस तरह भी हो, तुसी उसनु रोको इस काम से। चलो देखने ना, खाना बाना खाने पाने आ, देखने के कहंदा हो। मनु उजमा दी गल दे नाल इत्तेफाक है तैमूर, कबीर नु एक मामूली रला निकाह नहीं करना चाहिए। अगर तुसी भी यही गल कर दे हो खाना बात, फिर मेरा ख्याल है तुसी वड़े हो, तुहाड़ी गल मन लैसी, तुसी उन्हों रोक सकते। मैं जरूर जावा, पर डरना वा कि अगर उसने मन भी जवाब दे दिया तो मेरे मुंह तक राजा सी। अगर कबीर खान ने तुहाड़ी शान च गुस्ताखी की थी, ते फिर सुन लो खाना बा, ओ इस जमीन ते मेरे को जिंदा नहीं फिर सकता। शमशेर खान ओ अबनल गुस्ताखी नहीं कर सकता, क्योंकि खाना बा उसे दोस्त का प्यो वे, नले उसी भैन का सुरा वे। खाना बा तुसी जाओ कुछ नहीं। खाना बा तुहानू नहीं जाना, तैमूर लाला की गल कुछ ठीक नहीं लगती। जरा आदमी अपने जगरी यार दी नहीं मानता, वो किसी और दी किस तरह मान सकता है। मगर कोशिश तो करनी चाहिए ना पुत्र। के जरूरत है खानबा, जब एक आदमी अपने आप में खूह खुद सटना चाहता है तो के जरूरत है कोशिश करने की। मगर कोशिश करना साड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि उजमत हवाले नाल हुण उसकी ते साड़ी इज्जत सांझी है। एक बेवा नाल विआह कर लेने नाल इज्जत तो नहीं कट जाती खान चाचा? बिल्कुल नहीं कट दी, बल्कि एक गरीब बेवला निकाह करना था ज्यादा सवाब भी है। मगर इतने मस्ता तेरे वड़िया दी खुशी का भी है। तेरे प्यो की ख्वाहिश आई कि तेरा ब्याह किसी बराबर दे खानदानी च हो जाए। खाना बा ठीक कहने कबीर, बाजू शाहबाज नाल परवास करनी चाहिए, ये चीला कावां दे नाल नहीं। बन नवा तैमूर, मगर तनु तो सारी गल का पता है कि मसला की है। मनु दस, अगर कोई पेचीदा मसला था मैं उसका हल भी बता देवा। खानमीर मेरा मुलाजम आया तो उसको किसी जालिम ने कतल कर दिया, तो मैं उसकी बेवा नाल निकाह करके ते उदे खानदान का वसीला बनना चाहना खान चाचा। इस वजह जरूरी तो नहीं गा कि तू गुजरी ना निकाह करके उसके खानदान का कफील बन ले, उसकी कफालत माली इमदाद नाल भी तक की जा सकती है। इस तरह इमदाद करने नाल लोग के मतलब लेंदे खान चाचा, तुसी अच्छी तरह जानते हो। इसका एक दूसरा हल भी आवे, गुजरी का निकाह किसी और नाल भी कराया जा सकता है। ते मैं गुजरी नाल निकाह कर लवां तो कोई कुफर तो नहीं आ जाता खान चाचा? ये हवेलियां, ये दौलत, ये जायदाद खानजादियां दे अमीरजादियां दे हक तो नहीं ना, इन्हां दे गरीबां दा भी हक है। इसका मतलब है कि तन्नू अपने वड़े दी ख्वाहिश दा कोई पास नहीं गा। मैं आप कबीले दा वड़ा वां खान चाचा। ठीक है पुत्र, जब तू आप वड़ा है तो फिर मनु की जरूरत थी ध्यान दी। खाना बनू खफा कर देता है। तनु ता सारी गल दा पता है तैमूर, फिर खान चाचे नु ल्याण दी के जरूरत है? के जब अनुतिया पे मार रहा है, मैं अगर ना लेके आंदा ते उस्मा नु लेके नाल आ जांदी ते गल बड़ी बिगड़ जांदी, इसी खातिर मैं ना लेके आया हूं। मने जड़ा फैसला कर छोड़ा है मैं जरूर पूरा कर सा। जो दिल चांदे कर, हाथ आजाद है तेरा। जल्दी जल्दी खा, काम ते जाना है। पुत्र आराम नाल खा लो रोटी, मगर काम ते भी देर नाल नहीं जाना चाहिए। मिजी ठीक है, मैं कल से वेली से रोटी तोड़ तैयार कर लिया कर सा। चलो यार, काम तो चलिए। चलो चलो।
बोली ओ, कोई पराया बंदा कुंडी खड़काए बगैर किसी दे घर आ जावे तो बंदा घबरा ही जांदा है। मैं खैर तो नहीं ना गुजरी, कबीले का सरदार हाँ, तो फिर सरदार बगैर किसी रोक टोक दे हर जगह दे आ जा सकता है। पर एक बेवा दा कार है सरदार, ते बेवा दे नंगे सिर ते मारने वासे हर बंदे ने वटा चुका होंदा है। तनु सुन के खुशी हो सी गुजरी के मैं तेरा नंगा सिर अपनी चादर नाल कजने आया। मैं समझी नहीं गया। हर मां नू अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल वास्ते सोचना चाहिए, तो फिर बेवा नू शरई हुक्म है कि वह अपने बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते दूसरा विआह कर ले। जी तनु याद हो सी गुजरी, खान मीर दे मरने वक्त मने किया या कि जिथे थोड़ी मैं जींदा वा तेरा ते तेरे बच्चों का ख्याल रख सा। हूँ मैं अपना वादा पूरा करने आ गया हूँ। मैं स्वाडी गल समझ गई हूँ सरदार, पर एक बेवा नू जदों तक उसके बच्चों की मुस्तकबिल की जमानत ना मिल जाए उसने दूसरे ब्याह का सोचना भी नहीं चाहता। और चली मैं देना वा तनु तेरे बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत, मेरे को किसी शायद का घाटा तो नहीं गा। ऐश कर सुन तेरे बच्चे ऐश। ता फिर इस तरह करो कि मेरे बच्चों को पाल पोस के उन्होंने घर आबाद कर दियो, उसके बाद मैं थोड़े हक जाने ते कोई एतराज ना हो। के हूँ मैं 8-10 साल तेरा इंतजार कर सा। घबरा क्यों गए हो सरदार, अपना मकसद पाने वास्ते तो लोग कयामत तक इंतजार करते हैं। इसका मतलब यह होया गुजरी तनु मेरे नाल निकाह करने से इनकार है। मैंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों वास्ते वक्फ कर दी है सरदार। गुजरी बच्चों की परवरिश वास्ते अखियां का पानी ते खाली जिगर दे खून की जरूरत नहीं होंदी, उसके पैसे की जरूरत होंदी है, दौलत की जरूरत होंदी है, जेड़ा के सब कुछ मैं तुम्हें दे सकना। खुदाई का दावा ना करो सरदार, जिसने खुदा पैदा कर दे उसकी निगबानी भी कर दे। हम तुम इतों से तशरीफ ले जाओ, तब इजे नीयत लैके इतने आने की तकलीफ ना करना। गुजरी ने मनु जवाब दे के अच्छा नहीं किया तैमूर, और मैं उस दिन जबरदस्ती निकाह कर सा। व्याह ते निकाह दो दिलों की रजामंदी नाल ही निप सकदे न कबीर, जबरदस्ती नहीं। जड़ा कम के रजामंदी नाल ना होवे उन्हों जबरदस्ती कर लेना चाहिए। लोग अपनी पसंद दे पंछी नूं लिया के पिंजरे ते बंद कर लैंदे, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि जदों भी उस पंछी नूं मौका मिलता फुर कर जाता है। चले पंछी तो होवे जड़ा के बगैर पिंजरे दे कार च रहे। शुरू शुरू ते हर पंछी नूं पिंजरे दी जरूरत होंदी है तैमूर, ते जदों पंछी कार च हिल जांदा है फिर उसनूं किसे पिंजरे दी जरूरत नहीं रहिंदी। लेकिन इस च उसकी रजामंदी भी बड़ी जरूरी होंदी है, जद तक गुजरी राजी ना होवे तेने उसे जबरदस्ती ना करनी उसी। कबीले का सरदार बन के ते मनु हुक्म ना दे तैमूर, मेरा दोस्त बन के मेरा साथ दे, मैं गुजरी नूं इत्थे जरूर लियाना है। सिंधे काकम उमर ने भी गरीब मारवी नू जबरदस्ती चुक के ते मालिज बंद कर लेता है,
तो शहजादा बख्त ने लैला ना जबरदस्ती निकाह कर लेता है। आखिर क्या अंजाम होया उन्हें दोनों का वापस करना पी? इन कहानियों के पिछे कैस ते खेत या इश्को मुहब्बत या दास्ताना ते गुजरी पिछे गुजरी ता एक बेवा बेसारा रान ने बेसारा। तू ये क्यों भूल गया कि उस औरत दे चार पुत्र भी उन्हें पुत्रां दी गैरत जदो भी जागी वो तेरे से एक मुसीबत बन जा सन, क्योंकि जदो एक कानू पकड़ो तो उसन छुड़ाने से बहुत सारे कामों का शोर मच जाता है। अकबर कदीर इन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले मैं उन्हें कामों का शोर बन कर सा। गुजरी का वाकया सुन के बहुत दुख होया। मनना पै गया कि कबीर खान चंगेज के हलाकू से भी ज्यादा जालम है। शुक्र है तुहानू यकीन तो आ गया आगा जी, हुण तो तुसी मन सो के शमशेर खान बेगुनाह मरवाया गया। वेख त्या बुरखान, उस वक्त वो तेरा जिगरी यार आया ते दूसरे उसकी भैन भी तेरे निकाह च आई। यकीन नहीं आंदा कि उसने गलत फैसला किया। गलत फैसला किते उसने? किते गलत फैसला? मैं कसम खाने से नहीं तैमूर, बगैर सोचे समझे कसम नहीं खानी चाहिए। अगर तेन यकीन है कि तेरा तेरा बेगुनाह आया तो उसकी बेगुनाही का तेरे को सबूत होना चाहिए, गवाह होने चाहिए। मगर तेरे को ना तो कोई सबूत है ते ना कोई गवाह। कबीर के गुनाहों की तस्दीक कर लेने के बाद भी किसी सबूत की लोड़ होगी? तैमूर खान हर वाकई की अपनी एक वक्री नोयत होती है। इसी खातिर शमशेर के वाक्य को गुजरी के वाक्य के हवाले नाल ही देखा जा सकता। ठीक है ठीक है, इसका मतलब है कि गुजरी के वाक्य की अहमियत है वे ना? हाँ है वे, क्यों नहीं गी? भी गुजरी नाल जो कुछ होया तैमूर खान ये उसका जनून आया ते शमशेर वाला शमशेर के वाक्य नु परे सटो, एक साइड ते रखो नु। कबीर ने भी गुजरी ते जड़े जुलम किते तुसी उस ते पंचायत बुलाओ। मगर गुजरी ता पागल है,
ते खान मीर ते उस दे पुत्रां दा मुद्दई कौन बन सी? मैं बन सा उन्हां दा मुद्दई, क्योंकि उन्हां सारे वाकियां दे मेरे कोल गवाह भी हैं ते सबूत भी। मगर पंचायत तेरी दावेदारी नूं कबूल नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? इस वास्ते कि तेरा गुजरी या उसके खानदान नाल कोई ताल्लुक नहीं हो। हाँ, इस वक्त वो तेरा हरीफ है, तेरी तरफ वो दावेदारी तेरे इंतकाम की कड़ी भी बन सकती है। ते तीसरी गल के गुजरी के मुकदमे का थोड़ी दुश्मनी नाल कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस मसले को छोड़ के असी असली मसले ते आने। तैमूर खान को अपने भरा की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं गा, लिहाजा दोनों फरीकों नू चाहिए कि वह आपस सुलह कर लो। ना, मैं सुलह करने से तैयार नहीं गा। तो फिर एक बड़ा जिरगा स्वाडे दोनों ते एक दूसरे के खिलाफ हथियार चुकने ते पाबंदी लगा लै, ते स्वाडे चो जिस किसी ने भी इसकी खिलाफ वर्जी की थी ओ वड़े जिरगे का मुजरिम ठहरा जसी। वड़िया ने लड़ाई बंद करा के ते बहुत वड़ा काम किया शाहजी, नहीं तो दो कबीलियां की तबाही हो जाती, तो फिर दोनों तरफों लहू दियां नहरां वग पैंदियां। हाँ सरदार, जंग वाकई बड़ी तबाही होंदी। देखो ना, इस पासों भी कितने आदमी मारे गए ते उस पासे भी कितने, ते कितने बीच बेगुनाह मारे गए। लड़ाई तो यह सब कुछ होंदा ना शाहजी, तो फिर आन बचाने वास्ते जाना तो देनिया पैंदियां ना। मगर सानू इस लड़ाई से एक फायदा जरूर होए। लड़ाई ते फायदा? मैं समझ नहीं गया सरदार। जंगली जदों अग लगती है तो सारे जानवर बाहर निकल आते शाहजी। इस तरह पहाड़ा चो जंगलों चो जितने मफरूर है वो सारे बाहर निकले, ते शेरा ते गुलखान मेरे हाथ लग गए। हाँ सरदार, वो तो वाकई बड़े खतरनाक मफरूर हैं। मफरूर नहीं शाहजी, उजरती कातल भी हैं। इस वक्त साड़ी कैदी चल ते सवेले इंशाल्लाह पंचायत के सामने उन्होंने पेश कर सी। शेरत ते गुलखान ने अगर अपने जुर्मों का इतराफ कर लिता निजे ते उसी गजम नैब का नाम भी आसी, ते ये शायद साढ़े से खतरनाक है। चले बेशक कावे सानू के गजन नायक ते मर गया वे ना। ओए ओए, जदो गजन नायक दा नां आसी ते उथे वा साडा भी नां आसी, क्योंकि असी भी ते गजन नायक नाल हर जुर्म च बराबर दे शरीक आया ना। हाँ, मगर वड्डा मुजरम ते गजन है ना जेड़ा के मर गया वे। ओए अन्नी नगरीए नेजे, अन्नी नगरीए, इत्थे दे सरदार लकड़ा नाल छोड़े भी बाल देन, ते असी भी ते अपने गजन नायक दे छोड़े आया ना। के पै कहना यार, पंजाब च कोई साड़ा ना ते लवे असी बशीरे गल करा, सानू इत्थों नस के शहर चला जाना चाहिए, ना सामने असें ते ना पकड़े जा असें। वाह वाह, कुर्बान जावा पकड़ने तो, जिंदगी च पहली दफा कम दी गल की थी यार नेजे, वाकई सानू इतों निकल के हुण शहर जाना चाहिए, फिर ये सरदार साड़ा नाल नाल रोसन मातम कर सन। ओए गजन नायक ने सच ही किया या कि बशीरे जमाना बड़ा खराब ही। तो तुआने दोनों ने पंचायत के सामने अपने जुर्मों का इकरार कर लिता है, तो नाले ये भी किया ने कि असी ये सब कुछ पैसे वास्ते कर दें। हाँ सरदार, मफरूर की जिंदगी अपने कारोबार ते शहर गिरा से दूर जंगल ते पहाड़ा की खाक छाननी होती है, ते उन्हें अपनी जरूरियात पूरी करने वास्ते पैसों की जरूरत होती है, ते पैसों की खातर सब कुछ करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। तुमने पंचायत में उन्होंने लोगों के नाम नहीं दसे जेड़े तुहानू पैसे दे के तुहाडे से जुर्म करांदे आए। गुलखान, तू बताओ बंदे कौन? सरदार, इन्हां दे विचकार वजीर खान,
गंदल खान नौशिरवान ते तरम खेल कबीले दे साने सबसे ज्यादा काम सरदार गजन दे कहने ते कीते ने गजन दे कहने ते तेदा मतलब ए होया के रामबेल नु भी तुसी साड़ी कैच चो कट के ला गए हो गजन दे कहने ते साने उस ते गोली चलाई मगर वो बच गया है तवत रामबेल नु बचाने वास्ते सानू आखा मलक ने पैसे दे दिए है मलक ने इस तरीके के फायदा है इसे सरदार साहब पता नहीं है साड़ा तो सिर्फ पैसे ना मतलब आया सरदार इन बारीकियों से फिर सोचिए तुसी फैसला सुनाओ फैसला है वे कि इन दोनों ने पंचायत के सामने इकरार किया इन्होंने बड़े बेगुनाह का खून किया तो बड़े घर बर्बाद किए ने तो उस मुजरम भी साड़ी कैद चो कट के लै गए जिन्हों साने मौत की सजा सुनाई और मेरा फैसला है वे कि इन्होंने दोनों फण दिता जाए सरदार मैं उन्होंने ले आया तो मैं बुलाया सरदार हाँ तेरे नाल एक मशवरा करना आया बड़ा जरूरी मशवरा हुक्म करो सरदार गद्दारी का मतलब तो समझ दो उसे गद्दारी किसने की थी गद्दारी गद्दारी की कई किस्म होती है मैंने तेरे को सजा दी किस्म पूछी है ये नहीं किया कि तू मेरे को गद्दारी की किस्म पूछ फिर मेरे को पूछने की जरूरत है सरदार तैमूर तुसी आप समझदार हो सब कुछ जान दियो ते ये भी जान दियो कि गद्दारी की क्या सजा होती है इसका मतलब है तेनू पता है ना कि गद्दारी की सजा मौत होती है फिर पता लगे कि गद्दारी की किसने की थी तने अगर मलिक तने मेरा आदमी हो के तेरे रामबेल नु छुड़ाने की खातर मेरे दुश्मन की पंचायत जाके बैठ गए और मेरे कोलो चोरी छुपे शेरे ते गुलखान दे नाल उसा सौदा भी किते ते कबीर दी कैद चो कढ़ा के उन्होंने ले गए हाँ बेशक सब कुछ मैंने किया लेकिन मैंने गद्दारी नहीं की बल्कि एक मजलूम दी तरफदारी की थी एक बेगुनाह बचाया कबीर खान दी जुल्म दी चक्की पिसण सी ये सब कुछ तने क्यों कीता की हमदर्दी तेरी उसे ना रामबेल ना तेरा के रिश्ता है जद कि उसने परी पंचायत साड़ी बेइज्जती की थी रिश्ता रिश्ता सिर्फ इंसानियत दा है जिस ना तुसी जान दे हो ते ना कबीर खान तुसी सिर्फ सजा देण जान दे हो सरदार तैमूर तुसी इंसाफ करना नहीं जान दे हो जबान में लगाम दे अगर मलर तेरा के मतलब है कि असि बेवकूफ हां जाहिल हां साडे फैसले अन्ने दी लाठी होंदे जेड़े कसूरवार ते बेकसूर नु नहीं देखदे तोड़े फैसले अगर सही होंदे सरदार तैमूर ते रेशम बेगुनाह नु मारी जांदी शमा नु सजाए मौत दा हुक्म न सुनाया जांदा ते सरी नु शाबू नाल कदी भी आया न जांदा ए सारे फैसले साडे कबीले दे दस्तूर ते रिवायात दे मुताबिक होए जिसे असि सारे पाबंद हां रेशम नु नंगे सिर देखा गया उसनु असी छोड़ देने शमा ने परी पंचायत अपने भरा की बेइज्जती की उसनु भी छोड़ देने ते सरी ने बगैर पूछे कार दी दलीस पार करके चली गई है उसनु असी माफ कर देंगे ते फिर जिथो दे सरदार ते हाकम गलत रस्म दे असीर ते गलत असूल दे गुलाम होन ओ जगह साड़े जे इंसाना से तंग हो जाती है सरदार तैमूर उस जगह करो सानू चले जाना चाहिए मैं इस गांव के जंगल से जा रहा सरदार तैमूर तो याद रखो जिस जगह एक कर जुल्म दी इंतहा हो जाए उसे खुदा दा कहर नाज़िल होंदा है कहर नाज़िल होंदा है खुदा दा
जी छोटे सरदार। तू हर वाले खानाबा के नाल हो गया, ये बता कि खानाबा शहर किस से जाने? ओ तो जी शहर मंडी जाने होने जी, फसल भी उगराई कर रहे से जी। तेरी शिकल से भी पता लग दे कि तू असल गल पे छुपाने, सच सच बता के गल है। नहीं छोटे सरदार, ऐसी कोई गल नहीं। फजल दाद पिया कहने कि उस दिन शहर से कोई बंदा खाना बनू मिले आया, वो बंदा कौन आया? कौन शकूरा? नहीं जी नहीं, मनु क्या पता जी, उसका नाम भी तू जान ले ते कहने मनु पता भी नहींगा, सच सच बताने लगा एक दो। नहीं छोटे सरदार, अगर मैं बता देवा तो बड़े सरदार होने मनु मार दे। सुन जी तू फिक्र ना कर सरदार दी, खाना बनू बिल्कुल पता ना चल सी, ते अगर तने मेरे नाल झूठ किया तो जिंदा तू भी ना बच से, सच सच बता के गाली। सरदार वो अलमास बीबी को जाने होने। अलमास? ए अलमास कौन है? छोटे सरदार अलमास बीबी ना तुम्हारी तीसरी माँ है, और बड़े सरदार ने उसे ना निकाह की तो है। निकाह की तो है? किथे रहनी अलमास? तैमूर खान ने मेरे नाम पे की है, ते इसे इलावा ओ मनु हर महीने का खर्चा भी देता है। फिर तो तू डैडी अलमास सानू इधर सामने किथे मिल गया, किस होनी से मुलाकात? शकूरे दी बदौलत, शकूरा मोटिया सामिया साने बहुत मायर है। फिर तो शकूरा बड़े कम दा बंदा है, फायदा उठाना चाहिए इसी। किथे भी शकूरा पता नहीं किधर गायब होया है। क्यों दूसरा शिकार फसाने का इरादा इसका? नहीं वो मेरी तीरू भी लैके गायब होए है, मैं खुद भी बड़ी सख्त परेशान हाँ। अलमास बीबी ओ करामत खान तुम्हें मिलने आया? करामत खान मनु मिलने आया? चलो जी अला तू इस तरह कर, उस लैके अंदर आ, लेकिन उसने भी ना कह के अलमास बीबी कह रहे। अच्छा बीबी किसनों तो मैंने अपने जाल विच फसाने वास्ते इत्थे बुलाया है? ये शिकार नहीं गरोजी, ये मेरे शिकार की मुखबरी करने आया है। ता मने कि शिकार दी मुखबरी करने वाला आप जाल च फस जावे? पहले ये मालूम करना चाहिए कि किस इरादे वास्ते आया है। जिस इरादे नाल भी आया होवे मेरा इरादा उस दे इरादे नू बदल दे सी। तुसी इजाजत दे हो ते मैं अपना तारुफ करावा इस नाल। बहुत नाज़ है तन अपनी उस्ताजी ते। तेरी शगिरदी कीती होई है मने, ता मने कि दो गला विच ही तोता बढ़ा के उंगली बिठा लवां उसनू। सच तवत ए घसते मैदान? इस गल दा के मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं हाँ। इसका मतलब ये कि वह मैं मिलने आया तो मेरी मौजूदगी नाल तेरे नाल कोई गल ना कर सकसी, इस से मैं अंदर जानी हाँ तो शादा उसने लिया सी। ठीक है आओ खान, खैर ना लायो, किस तरह आना होया जनाब दा? तेरा नाम अलमास है? अलमास अपनी ती रूबी नू सैर कराने वास्ते लै गई है, आओ तुसी बैठो ना। नहीं मैं अलमास नू मिलना आया, तो बड़ा जरूरी कम आया उस नाल। के काम है तुम्हारा अलमास नाल? कुछ नहीं बस यही देखना चाहना है उन्होंने। तुसी कौन हो? मैं अलमास सैली रोजीना। वैसे तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुसी बहुत ही परेशान हो, खैर तो है वे ना? नहीं कोई खास गल नहीं है। उदास नहीं रहना चाहिए, उदासी जिंदगी नू खा जाती है, जिंदगी जींदा रहने वास्ते इन्हें दुखा की चौकाट ते कुर्बान नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर आओ आओ मेरे नाल, मैं तुम्हें सही जिंदगी गुजारने गुर सिखा देवा। जी आओ आओ ना तो मैं नहीं जाननी कि तू इतने किस से आया है, मगर ये जाननी कि हूँ तू बड़ा मसरूफ हो गया है। रोजी के नाल मिलना तेरा मेरी एक और कामयाबी।
जी। रोजी ये कौन है तेरे नाल? एक करामत खान अलमास बाजी। एक करामत खान तनु किधर रह गया है नाल? ए मनु नहीं ले गया है, बल्कि मैं इन्हें सैर कराने वास्ते ले गई हाँ। तुसी बाहर गए हो ते मन ने जरा इन्हें मसरूफ रखा है। अच्छा किते अगर ये मसरूफ होवन ता मन ने सोचा है तुहाडे मेहमान ने ता। अच्छा अच्छा करामत खान तुसी बैठो, रोजी मेरे नाल। मेरा ख्याल है मेरे ते रोजी दे बाहर जाना अलमास ने बुरा मनाया है, मगर मैं तो इतने खाना बाते अलमास से तालुक आदा पता करने है। अगर मैं तो आप इतने आके रोजी अच्छी लड़की है उन्हें थे रहना नहीं चाहिए। करामत खान ये तो मैं तेरे को बाद ही पूछता हूँ, तू फिर किस से आया है, मगर ये दस कि तने मेरी सहेली रोजी ते के जे जादू कर दिता है, क्यों तो बस तेरे ही नाम दे कलमे भी पढ़ दिए जी। मने हाँ मने जाके अंदर उसे को पूछा है, तो कहने लगी कि सानू एक दूसरे नाल मोहब्बत हो गई है, अस एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। मनु कुछ पता नहीं जी, मैं तो अज ही आया इतने ते अज ही मिला उन्होंने नाल। एक मुलाकात एक बने की हालत नहीं हो जाती जड़ी रोजी के नाल हुई है। खैर मैं थोड़े जाती मामले दखल नहीं देना चाहनी हूँ, मगर फिर भी मैं थोड़े प्यो नाल थोड़े ब्याह की गल कर सकता। नहीं नहीं तुहानू गलत फहमी पई होंगी है जी, कोई गल नहीं गी। देखो खान बनो इस बारे कुछ नहीं कहना, उबड़े गुस्से वाले ने तूफान मचा दे सुन, तुहानू तो पता है ना उन्होंने। ठीक है मैं इस गल नू राज ही रख सा, मगर एक गल दस नहीं, रोजी बड़ी शरीफ ते बहुत ही सादी जी लड़की है, करामत उन्हें धोखा ना देवी। देखो मैं तुहानू बार बार कह चुका हूँ जी, कोई गल नहीं गी के बस छोड़ो भी, हुन छुपाने की क्या जरूरत है, तुसी किसी किस्म की फिक्र ना करो, थोड़ी इस मामले में जरूर मदद करना, मगर करामत साहब ये बताओ कि तुसी आए क्यों? मैं इंडिया आए हैं। Thank you.